आई एम गेटिंग रेडी फॉर अ बक्सुन सेरेमनी. बक्सुन सेरेमनी लद्दाख में जब शादियाँ होती हैं उसके अगले दिन या फिर उसके कई साल बाद भी मनाया जाता है. इट्स लाइक अ रिसेप्शन जहाँ पे रिश्तेदार दोस्त सब आते हैं, खाना पीना, नाच गाना, ये सब होता है. सो आज मैं ट्रेडिशनल ड्रेस पहनूंगी और जिनके बक्सुन में हम जा रहे हैं वो मेरे मम्मी के साइड के हैं. जल्दी जल्दी में मैंने अपना आधा सीरम गिरा दिया, बट इट्स ओके. ओके सो आई हैव अप्लाइड माय टोनर, नाउ आई एम अप्लाइंग माय सीरम. तो मेरे मम्मी के साइड के हैं तो जिनका बक्सुन है वो मेरे कज़न लगते हैं. मुझे कुछ टाइम पहले ही पता लगा कि वो मेरे कज़न हैं, मुझे पता नहीं था पहले. आई एम गोइंग टू वेयर अ ट्रेडिशनल ड्रेस टुडे. इट्स कॉल्ड सुलमा, कोस भी बोल सकते हैं, मोकोस भी बोल सकते हैं. ओके, नाउ दैट आई हैव अप्लाइड माय सीरम, आई एम गोइंग टू अप्लाई माय मॉइस्चराइजर नाउ. तो मैं अपने पिताजी के साथ जा रही हूँ. पिताजी तब से रेडी हैं, मुझे कुछ काम था मार्केट में, मैंने अपने बाल आयन कराए. ये खुद से करो तो मेरे से अच्छे से नहीं हो पाते और 400 घंटे लग जाते हैं. ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई माय आई सीरम. पिछले बार जब मैं शादी में गई थी, लेंस लगा कर गई थी, और वो एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया. आंखों में कुछ कुछ चुभता रहा और रोने का मन कर रहा था मेरा. ओके, इसके बाद आई एम गोइंग टू अप्लाई सनस्क्रीन. ये हो गया हमारा स्किन केयर. मेरा प्राइमर ख़त्म हो गया और जो मेरे पास थोड़ा पड़ा था वो एक्सपायर हो गया. आई एम गोइंग टू अप्लाई माय कंसीलर. यहाँ लगाती हूँ मैं, यहाँ 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 थोड़ा. अभी जल्दबाजी में कर रही हूँ मैं, बट पीछे बहुत गंद है एंड मैंने वो रजाई से कवर कर दिया ताकि तुम लोगों को ना दिखे. आई एम गोइंग टू ब्लेंड माय कंसीलर. जल्दबाजी में है तो अगर किसी को शादी में दिखा कि मेरा मेकअप अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ है तो मुझे मत बोलना, ठीक है? इट्स ओके. सम फाउंडेशन. ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा. मेरे पास ब्लेंडर था एक छोटा सा, अब मुझे याद भी नहीं है कहाँ रखा मैंने. ब्लेंडर को हमने थोड़ा गीला किया है. आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट. ओके, कैसा लग रहा है? ठीक है ना? यप, या. ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई आई शैडो एंड आई थिंक ये वाला अच्छा लग रहा है. ओके, दिस वन हाथ से हम पकड़ेंगे एंड इस तरह से लगा लेंगे. इस साइड भी वो ए कलर है ना. हाँ, इतना दिख नहीं रहा ना फोन में, भी दिख रहा थोड़ा थोड़ा. लेंगे हम थोड़ा सा हाइलाइटर, ये कलर थोड़ा नाक पे लगाएंगे. ऑन माय नोज ब्रिज जो कि है नहीं, एंड अ लिटिल बिट ऑन माय चीक बोन्स. लिपस्टिक है जिसको हम ब्लश की तरह यूज़ करेंगे. इसका परफेक्ट कलर है ब्लश के लिए. यहाँ दो डॉट, यहाँ दो डॉट. ऊपसी. एंड इसको इस तरह से ब्लेंड करेंगे. ये हाइलाइटर बाद में लगाना चाहिए था, आई नो, बट अब हो गया. मस्कारा. इसमें लगा, इसमें नहीं, काफी फर्क दिख रहा है ना. लग गया. इट्स टाइम फॉर लिपस्टिक नाउ. मैन का परफ्यूम मिला है,
अब है तो लगाना ही पड़ेगा, लग गया। लिपस्टिक है जो मैंने आई थिंक लास्ट व्लॉग में ख़रीदा था, लगा के देखते हैं अब। लिपस्टिक लग गया है, आई नो थोड़ा डार्क लग रहा है देखने में, बट आई थिंक इट्स फाइन। वॉट टू पुट माई मेकअप फिक्सर, दिस इज माई मेकअप फिक्सर, ये मैंने नया लिया था। कितना लगाना है यार, बिफोर और आफ्टर मेकअप? आई थिंक दैट्स इनफ। मैंने इसका रिव्यू पढ़ा था उस पर इंस्टाग्राम पे देखा था, अच्छा लगा मुझे, सो आई बॉट इट। ओके, दिस इज टिलन, इसको टिलन बोलते हैं, शर्ट की तरह जो हम अंदर डालते हैं। फिर उसके बाद सिंपल सलवार, एंड इसको बोलते हैं स्केरक, ये बेल्ट की तरह जाता है। टिलन मैंने पहन लिया है। ओके, जो ड्रेस मैं आज पहनने वाली हूँ वो ये है, इसको आप सुलमा बोल सकते हो, कोस मोगोस। ओके, मैं पहन के बताती हूँ। ये मेरे फेवरेट इयर रिंग्स हैं जो मैंने, ओ नो इसका पीछे का है ही नहीं, जयपुर से लिए थे। और अच्छा हुआ मैंने ले लिए, बहुत सिंपल है और बहुत सुंदर है। मेरे फेवरेट इयर रिंग्स, इसके जो पीछे लगता है दोनों अलग अलग हैं, बट खुले बालों में कौन ही देखेगा। सो टिलन अंदर डाला है, जब मैं बाद में फिक्स करूँगी क्योंकि अभी होने से रहा। और ये जो नीचे इसके लेस लगी है, ये एक्स्ट्रा बच गया था, तो आई एम यूजिंग इट एज अ बेल्ट स्केरक की जगह। बाकी ये सब चीज़ें पीछे को इस तरह से मैं बाद में फिक्स करूँगी, या फिर अंदर वाली साइड डाल दूँगी ताकि ये लेस और अच्छे से दिखे। लेट मी शो यू माई फुल आउटफिट। हील्स नॉट वेरी कम्फर्टेबल, माइट चेंज इट, बट ये बैग बिल्कुल इसके साथ जा रहा है। ये किसी और बैग का चेन है जो मैंने उतार के इसमें लगा दिया है। सो वी आर रेडी। दिस शूज आर नॉट वेरी कम्फर्टेबल, आई मीन वेरी तो क्या, नॉट एट ऑल कम्फर्टेबल, सो आई एम गोइंग टू चेंज इट। अब मुझे गर्मी लग रही है भाई, मैंने जूते बदल लिए, आई एम वेयरिंग माई बूट्स। दूसरे वाले थोड़े मुझे लूज थे पहन के, तो चलने फिरने में कम्फर्टेबल नहीं लग रहे मुझे। इतनी गर्मी है, टेन रेडी। स्ट्रेप्सिल्स खा रही हूँ, गला में बहुत दर्द है, सहा ही लूँ। Could you drop it?